हेलो एवरीवन, इट्स देवेश एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस पार्ट टू। पार्ट टू है, आज हम करवाने वाले हैं इसका चैप्टर नंबर 19, जो कि इसका लास्ट चैप्टर है बुक का। 19 चैप्टर है, इसके बाद कोई चैप्टर नहीं आएगा, ये एक लास्ट वीडियो होने वाली है। और इससे पहले के जो भी चैप्टर्स हैं वो सारे ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप सारे एक एक करके सारे चैप्टर्स को वॉच कर सकते हो, 11 से 19 सारे, ठीक है। पार्ट वन की वीडियो भी पड़ी हुई है, डिस्क्रिप्शन में ही लिंक मिल जाएगा आपको, वो भी जाके देख सकते हो। तो आज हम करवाने वाले हैं SOL के सेमेस्टर 3 की जो बुक है एनवायरमेंटल साइंस का चैप्टर नंबर 19। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि इसके नोट्स भी बन चुके हैं, अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं तो नीचे ऑन स्क्रीन पे जो नंबर आपको शो कर रहा है, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो नोट्स परचेज करने के लिए। आपको मिनिमम अमाउंट पे करके नोट्स को दे दिया जाएगा, ठीक है। तो अब हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 19 स्टार्ट, जिसका नाम है प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक एनवायरमेंटल साइंस। इसके अंदर बेसिकली हम 9.2 से स्टार्ट करेंगे, 9.5 तक हम जाने वाले हैं। 9.2 में आप देख सकते हो यहाँ पर विजिट टू ए लोकल एरिया टू यू डॉक्यूमेंट्स एनवायरमेंटल असेट्स, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर ये पोर्शन कवर करते हुए, फिर 9.3, 4, 5, फिर 5 के बाद आ जाएगा लास्ट इसका एक्वेटिक सिस्टम, जहाँ पर आपका चैप्टर जो है वो ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो 9.2 के अंदर है विजिट टू ए लोकल एरिया टू डॉक्यूमेंट्स एनवायरमेंटल असेट्स, कि हम अगर कोई भी लोकल एरिया में जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स वहाँ से क्या क्या चीज़ें जो हैं वो असेट्स के रूप में हमें मिलेगी। सबसे पहले यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स ऑफ ए नेचर दे रखा है, जहाँ पर हमें इकोसिस्टम को डीपली अप्रिशिएशन कर रखा है। इसके अंदर हमें बताया है कि कितनी तरह के हमारे जो है डिपेंड करता है हमारे इकोलॉजिकल फंक्शंस वगैरह को। हम अगर कहीं भी जैसे कि एज अ टूरिस्ट रिक्रिएशनल पोटेंशियल वगैरह होता है, या फिर हमारा कोई भी सिंपली स्ट्रॉन्गेस्ट अथेस्ट कोई भी एस्थिकेटेड अपील होता है जो हमारे क्वालिफाई कंट्रोल के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है। यहाँ पर लिखा है उसके बाद कि जितने भी मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं मैनकिड के, चाहे वो ग्लोबली हो, नेशनल हो, या फिर वो लोकल लेवल पे हो, वो सारे जो हैं इकोसिस्टम वगैरह जो हैं, जो ट्रिब्यूनल्स हैं, वो सारे एग्रीकल्चर हो गया, पेस्ट्रोलिस्टिक हो गया, ग्रास लैंड फिशरमैन हो गया, तो इनके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वे में किस तरह से वो इन्वॉल्व हैं। गाइडलाइंस फॉर द स्टडी ऑफ एनवायरमेंटल असेट्स, देर आर टू पार्ट्स ऑफ द स्टडी, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहला पार्ट जो है वो है डॉक्यूमेंट व्हाट यू सी, क्या डॉक्यूमेंट आप देखते हो, डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग ऑफ व्हाट यू आस्क लोकल यूजर ग्रुप, आप डॉक्यूमेंट खोजने के लिए अपने लोकल ग्रुप्स में जाके क्या क्या पूछते हो। दूसरा पार्ट है यहाँ पर की क्वेश्चंस का, की क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर मेंशन करे हैं, जैसे कि व्हाट इज द इकोसिस्टम नेचुरल रिसोर्सेज असेट्स। फिर आता है Who use these and how? कौन इसे यूज करता है, कैसे यूज करता है। फिर आगे लिखा है Is the ecosystem degraded? उसके बाद लिखा है How can it be conserved? इसको वो कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है डॉक्यूमेंटिंग एनवायरमेंटल असेट्स ऑफ ईच इकोसिस्टम। इसमें यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा है डॉक्यूमेंटिंग जनरल फीचर्स ड्यूरिंग द फील्ड सर्वे, डिस्क्राइब द साइट्स एंड फीचर्स, यहाँ पर साइट्स और फीचर्स बताइए अलग अलग फील्ड वर्क की, कि कहाँ पर क्या काम होता है, क्या किसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेथोलॉजी क्या है, ऑब्जर्वेशंस क्या है, साइट फंडिंग और इंटरव्यूज, लोकल पीपल, रिजल्ट, कंक्लूजन, हर एक मतलब कि फील्ड सर्वे है जहाँ पर आप मिलकर लोकल लोगों से बातचीत कर कर सारी चीज़ों को जो है सॉल्व करते हो, वहाँ पर उनके रिजल्ट क्या है, क्या चीज़ें हैं जो उनके पास नहीं है जो हम उनको दे सकते हैं। फिर आता है डॉक्यूमेंट द स्पेशल रिसोर्सेज फीचर ऑफ इंडिविजुअल इकोसिस्टम, जहाँ पर हम एक इंडिविजुअल ग्रुप्स वगैरह में जाके उनके एरियाज वगैरह में चेक करते हैं अच्छी क्वालिटी, गुड क्वालिटी उनकी सर्विसेज वगैरह की, वो सारा हम मेंटेन करवाते हैं। फिर लिखा है यहाँ पर रिवर इकोसिस्टम, रिवर इकोसिस्टम जो है यहाँ पर ऑब्जर्व करने के लिए यूज किया जाता है लोकल पीपल्स के, यहाँ पे वेटलैंड और लेक्स वगैरह के इस्तेमाल पे। अब यहाँ पर पूछा जाता है कि आपके वहाँ का जो आसपास का पानी है वो किस तरह का है, वहाँ पर कोई जानवर कैटल फिश वगैरह तो नहीं है, वो पीने लायक है डोमेस्टिक नीड्स के हिसाब से है या फिर वो सब नहीं है, आपकी जो क्रॉप्स हैं फसल है उनमें यूजेबल है या फिर नहीं है, ऐसे क्वेश्चन। तो सेकंड चीज़ जो हम करते हैं वो लिखा है यहाँ पे मैपिंग लैंड यूजिंग टू द टर्म एंड वाटर रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए हम यहाँ पर देखते हैं कि जो मैपिंग करते हैं कहाँ कहाँ पर रिवर है, कहाँ पे टैंक है, कहाँ लेक है, कहाँ पे एसेस है, और भी बहुत सारी जो असेट्स होती हैं इकोसिस्टम की, वो सारा हम मैपिंग करते हैं।
फिर हम फील्ड ऑब्जर्वेशन करते हैं ऑन द फ्रंट, रिवर फ्रंट में फील्ड देखते हैं कि कहाँ पर कितना एरिया जो है वो एरिया क्लियर करा जा सकता है, लोगों के रहने के लिए वहाँ पर क्या क्या चीज़ें और उपलब्ध कराई जा सकती है, रूरल एरिया को डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से किस तरह से वाटर वगैरह यूज़ करना लोगों को बताया जा सकता है, तो ये सारी चीज़ें। आगे लिखा है पॉसिबल ऑब्जर्वेशन, जितनी हो सके हम उतनी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश करेंगे, जिसमें काफ़ी सारी ऑब्जर्वेशन जो है एनिमल्स के सर्वाइवल पे भी होती है। अगर कोई फिशरमैन है तो उसकी डिक्रीज्ड या इंक्रीज्ड फिशिंग की संख्या को उसको भी हम पता कर सकते हैं। रिसोर्सेज का यूज़ जो है वो किस टाइप से हो रहा है वहाँ पर, कंजम्पशन के हो रहा है या प्रोडक्शन पर्पज़ से हो रहा है वो हम देख सकते हैं। साथ में हम ये भी देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इकोसिस्टम में जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो वाटर फिशिंग और बाकी सारे जैसे प्लांट्स वगैरह यूज्ड हैं, जो अदर रिसोर्सेज हैं, उनका कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं और कैसे इस्तेमाल वो करा जा रहा है। फिर हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वाटर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल सोर्स, पानी जो है वो ग्रेटेस्ट है या फिर नहीं है बाकी सोर्सेज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे व्हाट डू यू यूज वाटर फॉर ड्यूरिंग द कोर्स इन वन डे, हाउ मच डू यू यूज़, कितना यूज़ करते हैं आप। यहाँ पे लिखा है कैन यू स्टॉप वेस्टिंग, पानी को किस तरह से रोका जा सकता है वेस्टिंग करने से और रिसाइकल कैसे करा जाता है पानी को वो। फिर हम यहाँ पे लिखा है ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑब्जर्व ऑन द साइट ऑफ द शुड बी रिकॉर्डेड, हम क्या क्या चीज़ें जो है वहाँ से लिख कर ले आते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, जैसे कि टाइप हो गया, परमानेंट है, सीजनल है, स्लो मूविंग है या रैपिड है, मतलब कि पानी वगैरह जो हमेशा बहता है या फिर परमानेंट कुछ टाइम वगैरह के लिए आता है वो सब। फिर लिखा है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट क्या होते हैं, फिर हम डिस्क्राइब कर देते हैं एक्वेटिक एनिमल और एक्वेटिक प्लांट्स को और एनिमल्स की लाइफ को। फिर हमें यहाँ पे पता चलता है कि बैंक्स, सोलोस, डीप एरियाज, मिड स्ट्रीम्स एरियाज कौन कौन से हैं जो कि हम लैंड्स के तरह यूज कर सकते हैं। फाइंडिंग ऑन द साइट ऑफ शुड बी रिकॉर्डेड थ्रू इंटरव्यूज, हम अपने इंटरव्यूज के जरिए चीज़ों को नोट कर सकते हैं। तो इंटरव्यू वगैरह के जरिए हम क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पता लगा सकते हैं व्हाट इज द वाटर यूज्ड इन द ऑपरेशन, कितना प्रोपोर्शन जो है वाटर का वो यूज हो रहा है एग्रीकल्चर का, खेती का, डोमेस्टिक का, पर्सनल यूज वगैरह का। यहाँ पे हम पता लगा सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज कैसे यूज हो रहे हैं, यहाँ पर वाटर पोर्टेबल है या फिर नहीं है, एक्सटेंड पोल्यूशन जो है वो कैसा है, टेस्ट वेदर क्वालिटी कर सकते हैं, वाटर क्वालिटी टेस्ट कर सकते हैं, और भी बहुत सारे जैसे कि रिवर वगैरह को साफ करने से रिलेटेड हम वहाँ पे डिसीजन बना सकते हैं। फिर लिखा है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के अंदर हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, हम एक्सेसिंग कर सकते हैं फॉरेस्ट के यूज़, फॉरेस्ट यूज़ क्या क्या है, जैसे कि फ्रूट्स, मेडिसिन, फैब्रिक, हनी और मेडिकल वगैरह के लिए यूज़ हो रहा है, प्रोडक्ट्स के लिए, हाउस होल्ड में वो किस तरह का यूज़ हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ में वो कैसा यूज़ हो रहा है, लुकिंग फॉरेस्ट साइन फॉर फॉरेस्ट यूज़, अब फॉरेस्ट यूज़ के लिए हम क्या क्या साइन इंक्लूड कर सकते हैं जहाँ पर लोगों को ये पता लगाने में आसानी हो जाए कि ये जो जंगल है ये काटने लायक है या नहीं है, हम उनको अलग अलग पाथ्स दे सकते हैं, अलग अलग निशानों से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। फिर लिखा है यहाँ पर डॉक्यूमेंट टू द लेवल ऑफ द फॉरेस्ट इज लॉस, कह रहा है कि फॉरेस्ट लॉस के डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर कर सकते हैं, जहाँ पर जो फॉरेस्ट वगैरह है उनको हम इकट्ठा करके रख सकते हैं, उनको काटने वगैरह पे रोक लगा सकते हैं। फिर अगला लिखा है व्हाट आर द प्रोडक्ट डैट यू यूज इन डेली लाइफ और ऑर्गेनाइजेशन इन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनाइज करी जा रही है डेली लाइफ यूज के लिए, क्या क्या बन रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर वाटर, पेपर, फूड, मेडिसिन और भी जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो सब। फिर लिखा है ऑब्जर्व्स ऑन साइट दे शुड बी रिकॉर्डेड, कौन कौन सी साइट है वो रिकॉर्डेड है। अब इसके अंदर जैसे कि हम आइडेंटिफाई करेंगे फॉरेस्ट का टाइप कौन सा है और एवरग्रीन है क्या है, जो भी है हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आगे उसके साथ साथ हम रिकॉर्ड कर सकते हैं कि जो नेचुरल फॉरेस्ट है वो किस तरह के प्लांटेशन करता है, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उनकी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को, हम ये भी फाइंड कर सकते हैं इंटरव्यू के जरिए कि किस तरह के जो है ऑब्जर्व के इंटरव्यू वगैरह लिए जाते हैं। आगे लिखा है यहाँ पर लिस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम उनकी लिस्ट इकट्ठी कर सकते हैं लोगों से पूछकर, जिसमें काफ़ी सारे फ्यूल आते हैं, फ्यूल फूड वुड आते हैं, नॉन वुड आते हैं, उसमें वाटर आ जाता है, सर्विस आ जाती है, बहुत सारे क्लाइमेट कंट्रोल आ जाते हैं, एवं ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर लिखा है हु यूज़ द इकोसिस्टम नेचुरल रिसोर्सेज एंड व्हाट टू एक्सटेंड, हम कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, तो ये सारी जो इंटरव्यू में हम उनसे पूछ सकते हैं। फिर लिखा है ग्रासलैंड में लिखा है गाइडलाइन ऑन व्हाट टू लुक एंड ग्रासलैंड रिसोर्सेज यूज, कि देखिए कैसे यूज़ करते हैं ग्रासलैंड को, यूटिलाइजेशन पैटर्न जो है वो लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं कि ग्रासलैंड का यूज़ हम किस किस वे में हो सकता है।
लिखा है ग्रासलैंड को कैरिंग कैपेसिटी के रूप में यूज कर सकते हैं, जहां पर हम इनोर्मस ग्रासलैंड को यूज करके हार्बीवोरस डिपेंडेंट होती है, और इसी तरह से जो कार्निवोरस वगैरह होती हैं तो उनको भी हम यूज कर सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं लैंडस्केप यूज के लिए कि कौन कौन सा नियर बाय फॉरेस्ट या फिर कोई सी ग्रेजिंग वाटर ऐसी है जिनको हम यूज कर सकते हैं और कौन सी ऐसी है जिनको हम हार्मफुल है जो हम यूज नहीं कर सकते। आगे लिखा है ऑब्जर्वेशन ऑन द साइट डैट शुड बी रिकॉर्डेड, हम इन इन साइट्स पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे कि हमारी आइडेंटिफाई ग्रासलैंड्स को आइडेंटिफाई करना, जिसमें हम क्लियर ग्रेजिंग रेन फॉरेस्ट वगैरह की ग्रासलैंड को बेसिकली एक्सटेंड कर सकते हैं, उसमें समझ सकते हैं। आगे लिखा है हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, सीजनल के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, और यहाँ पर हम फाइंड कर सकते हैं बहुत सारे इंटरव्यू के सोर्सेज, एक्सटेंड कर सकते हैं जो हम चाहते हैं, और यहाँ पर एस्टिमेट लगा सकते हैं ग्राजिंग का, कैटल्स गोट देयर पॉपुलेशंस वगैरह का कि कितने प्रोपोर्शन ग्रेजिंग कर रहे हैं ये सारे जानवर। उसके बाद एक्सटेंड कर सकते हैं फूडर कलेक्शन को, प्रोडक्टिविटी ग्रासलैंड को। तो ये एक्सटेंड क्यों करा जा रहा है बेसिकली, वो इसलिए ताकि इकोनॉमी को आगे जाके वो डेवलप करा जा सके। और अगर हम किसी भी अर्बन एरिया में या फिर कहीं विजिट करते हैं, विजिट टू लोकल पोल्यूटेड साइट अर्बन रूरल इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर एरिया में, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कि किस तरह की ये टाइप है साइट की और किस तरह का सोर्स ऑफ पोल्यूशन यहाँ पर फैला हुआ है। तो बेसिकली जो अर्बन एरिया होते हैं तो उसमें मोस्टली पोल्यूशन जो होता है वो एक होता है एयर का, फिर वाटर का, फिर सॉइल का, और बायोडाइवर्सिटी का तो बहुत कम है। बाकी होते हैं तीन वाले, जिसमें हम एयर में देखते हैं कि स्मॉग और गैसेस से बहुत पोल्यूशन हो रखा होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर वाटर का, जहाँ पर अर्बन सीवेज होता है, इंडस्ट्रियल केमिकल इन्फ्लुएंट होता है, एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड्स होता है, और वहाँ पर फर्टिलाइजर वगैरह का यूज़ होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे जनरल ऑब्जर्वेशन में लिखा है दीज फॉलोइंग एक्सपेक्ट नीड टू बी ऑब्जर्व्ड एंड डॉक्यूमेंटेड, द टाइप ऑफ लैंड और वाटर यूज इन द पोल्यूशन एरिया, इट जियोग्राफिकल करेक्टरिस्टिक्स, हु यूज टू द एरिया एंड हु ऑन इट, कि यूज जो करा जा रहा है वो एरिया वो किसके द्वारा करा जा रहा है, कितने परसेंट उसमें ठीक है। आगे लिखा है मैप ऑन द एरिया टू बी सिचुएटेड आइडेंटिफाइंग व्हाट इज बीइंग पोल्यूटेड एयर वाटर सोयल द कॉज ऑफ पोल्यूशन एंड पोल्यूटिंग एजेंट्स वगैरह हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक्सेस द एक्सटेंशन ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन एक्सटेंशन के सोर्स को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिखा है एक्सेस फ्रॉम लिटरेचर, उनकी हेल्थ हो सकता है, पोल्यूशन हो सकता है, तो उन सबको मेजर करते हैं। आस्क लोकल रेजिडेंट अबाउट इट इफेक्टेड ऑन देयर लीव्स। नेक्स्ट पॉइंट है अभी यहाँ पर जिसके अंदर लिखा है जनरल ऑब्जर्वेशन। जनरल ऑब्जर्वेशन के अंदर हम यहाँ पर कुछ एस्पेक्ट्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे, जिसमें से यहाँ पर लिखा है, पहला लिखा है द टाइप ऑफ लैंड, कि लैंड किस टाइप का है, वाटर यूज्ड इन पोल्यूशन एरिया, जियोग्राफिकल करेक्टरिस्टिक्स एंड हु यूजेस द एरिया, कि कौन यूज कर रहा है और किसका एरिया है। मैप द एरिया ऑफ स्टडीड, हम उसके स्टडी करेंगे मैप को। उसके बाद लिखा है आइडेंटिफाइंग व्हाट इज बीइंग पोल्यूटेड, कि कौन सी चीजें हैं जो इसको पोल्यूटेड कर रही हैं। फिर लिखा है एक्सेस द एक्सटेंट ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन वगैरह एक्सटेंशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। एक्सेस फ्रॉम लिटरेचर, हम लिटरेचर वगैरह को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद नीचे अगला जो पॉइंट है सॉलिड वेस्ट स्टडी साइट, अब हम सॉलिड वेस्ट स्टडी साइट पढ़ रहे हैं जहाँ पर सॉलिड पोल्यूशन होता है, जैसे कि गार्बेज डंप करना। गार्बेज डंपिंग होता है कि बेसिकली नॉन बायोडिग्रेबल और बायोडिग्रेबल वेस्ट हो सकता है, एवरीडे लाइफ का जो भी खाने वगैरह का वेस्ट होता है, फूड वेस्ट वगैरह होता है, तो वो सारा हम जो वेस्ट करते हैं वो गार्बेज डंप्स के अंदर ही आता है। अब यहाँ पर लिखा है दूसरा हाउस होल्ड में गार्बेज वेस्ट क्या होता है। हाउस होल्ड के अंदर होता है वो सारी वस्तुएं जो हम अपने किचन्स वगैरह में यूज़ करते हैं, वो एक गार्बेज वेस्ट के अंदर आएगा। उस वेस्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे वेट वेस्ट होता है, नॉन बायोडिग्रेबल वेस्ट होता है, प्लास्टिक वेस्ट होता है, मेटल वेस्ट होता है, और ये सारी वेस्ट जो है वो कहाँ से आती है, किसके द्वारा करी गई है, हम इन सब चीज़ों को बेटर तरीके से मैनेज करते हैं। फिर एग्रीकल्चर वेस्ट आता है, जहाँ पर हमें राइस हस्क का, स्ट्रोस का, बैगेस का, और भी बहुत सारे तरह के वेस्ट होते हैं, जैसे कि पाउडर वगैरह प्रोड्यूस करना, पेपर वगैरह प्रोड्यूस करना, तो इन सब के जो एग्रीकल्चर्स वेस्ट होते हैं हम उसको मेंटेन करते हैं।
नेक्स्ट वेस्ट है इसके अंदर जो है हॉस्पिटल्स का वेस्ट है। हॉस्पिटल के अंदर से निकलने वाला कॉटन ड्रेसिंग बैंडेजेस का या फिर ब्लड के सैंपल्स हैं, टिश्यूज हैं, और भी बहुत सारा होता है जिसमें कंटेन पैथोजेंस होता है, बैक्टीरिया है, फंगी है, वायरस है, नीडल्स है, सिरिंज्स है, बोटल्स, प्लास्टिक, ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो वेस्ट होता है वो सारा वेस्ट जो है हम इसमें मेंटेन करते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पर वाटर पोल्यूशन साइट्स। वाटर पोल्यूशन साइट्स होती हैं जिसमें हम गाइड करेंगे कि किस तरह से वाटर पोल्यूशन साइट्स को कंट्रोल कर जाए। इसमें हम ऑब्जर्व करते हैं टैंक, लेक्स वगैरह को, रिवर वगैरह को जो पोल्यूटेड हैं उनको ठीक करते हैं। हम डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उनका नेम ऑफ द रिवर वगैरह है वो सारा इंडस्ट्रियलाइज को ठीक करते हैं। आगे लिखा है हम जो अर्बन गार्बेज डंप्ड है उनको ठीक करते हैं। उसके बाद लिखा है आर द इंडस्ट्रियल यूनिट्स नियर द साइट, जो भी साइट्स के नियर आसपास जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनका कलर जो है, ऑर्डर जो है वो सारा हम ऑब्जर्व करते हैं। फिर लिखा है एयर पोल्यूशन साइट्स। एयर पोल्यूशन साइट्स पे जो भी हवा के द्वारा फैलाया गया प्रदूषण है वो सारा हम देखते हैं कि किस किस तरह की गैसेस वगैरह फैल रही हैं। स्टडी ऑफ ह्यूमन प्लांट्स इंसेक्ट एंड बर्ड्स, कह रहे हैं स्टडी ऑफ अब हम स्टडी करेंगे प्लांट्स इंसेक्ट और बर्ड्स को। गाइडलाइन फॉर द स्टडी, इस स्टडी को करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो नेशनल पार्क है, सैंक्चुअरी पार्क है, जो कि मैमल्स और रेप्टाइल्स के लिए फेमस है, जहाँ पर प्लांट्स इंसेक्ट और बर्ड्स को रखा जाता है अलग अलग तरह की रूलर्स और सेटिंग्स करा के। अब ये जो पार्क है, जो नेशनल पार्क है सैनिटरी का, ये अदर्स एनिमल्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अब यहाँ पर लिखा गया है कि आइडेंटिफाई एंड लिस्ट कॉमन प्लांट स्पीसीज इन स्टडी साइट, उस पर जो भी कॉमन प्लांट स्पीसीज होती हैं उनको स्टडी करना। जैसे 20 कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो बताए, जैसे कि 10 तो हो गए पेड़, 5 हो गए स्क्रब्स, 5 हो गए हब्स, ठीक है। फिर लिखा है आइडेंटिफाई करना रेयर स्पीसीज वहाँ की। फिर लिखा है आइडेंटिफाई करना टाइप्स ऑफ प्लांट, जैसे कि क्लाइंबर प्लांट है, ग्राउंड प्लांट है, हर्ब है, ग्रासेस है, और अलग अलग तरह की स्पीसीज को, चाहे वो इंसेक्ट स्पीसीज हो या फिर प्लांट स्पीसीज हो, उनको ऑब्जर्व करना। स्पेसिफाइड करेक्टर्स ऑफ द लिविंग फ्रूट्स प्लांट्स सीड्स, उन लोगों उन प्लांट्स वगैरह की जो कलेक्ट करनी है इंफॉर्मेशन, जो हमें पत्तियां वगैरह, लीव्स, फ्लावर्स, सीड्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, डिस्क्राइब करना है उनका रोल क्या होता है और वो यूज कहाँ होते हैं और वो किस किस तरह से हार्वेस्ट होते हैं, कॉमन है या रेयर टाइप है, अगर वो रेयर है तो वो क्यों है, वो इस्तेमाल करा जाता है। फिर लिखा है एनिमल। एनिमल्स के अंदर हम देखते हैं कि हर एक 10 स्पीसीज को पॉसिबल जितना हो सकता है उतना ज़्यादा ऑब्जर्व करने की, जिसमें हम इंसेक्ट की, बर्ड्स की, मैमल्स की स्पीसीज को ऑब्जर्व करते हैं। हमें ये देखना होता है कि एनिमल्स जो है वो किस टाइप का है, कार्निवोरस है, हर्बीवोरस है, डिकम्पोजर है, प्लांटियर है, एजेंट्स है, तो वो सब भी हम चेक करते हैं। आगे उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा है स्टडी करना सिंपल इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम सिंपल जो है वो स्टडी कैसे है, यहाँ पर लिखा है जनरल गाइडलाइंस एस्पेक्ट दैट द ऑब्जर्व्ड डॉक्यूमेंटेशन एंड इकोसिस्टम फील्ड स्टडीज द मेजर क्वेश्चन, जो हमेशा आता है, जो हर बार पूछा जाता है, जैसे कि व्हाट इज द इकोसिस्टम कार्ड द बेसिस ऑफ द टिपिकल फीचर्स, क्या इकोसिस्टम उसके बेसिक फीचर्स पर क्या कैसे बोला जा सकता है, उसके एबायोटिक और बायोटिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं वो आपको समझाना है। अगला पॉइंट है उसके नीचे लिखा है हाउ कैन बी डिग्रेडेशन प्रोसेस जो है वो सस्टेनेबल यूजफुल हो सकता है चेंजिंग आवर हैबिटेट्स को बदलने के लिए, और जैसे कि वाटर सेविंग हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी और पेपर सेविंग करके हम किस तरह से इकोसिस्टम को सस्टेनेबल कर सकते हैं, और डिग्रेडिंग प्रोसेस वगैरह को समझाना है, ठीक है। ऑब्जर्व द वाटर साइकिल, वाटर साइकिल से आपने क्या क्या ऑब्जर्व करा है वो आपको समझाना है, जिसमें से वाटर साइकिल, वेजिटेशन, अमाउंट रेनफॉल, और यहाँ पे लिखा है सेमी एरिड डेजर्ट टाइप ऑफ ए बेसिक रेनफॉल, यहाँ पे लिखा है ऑब्जर्व हाउ द परक्लोट्स इनटू द सब सॉइल द रिचार्ज ग्राउंड्स वाटर्स विच अरेंज वेल स्ट्रीम एंड रिवर्स वगैरह, ऑब्जर्व करना है फिर कार्बन साइकिल, और फिर लिखा है ऑब्जर्विंग ऑक्सीजन साइकिल। ऑब्जर्व ये सब मैंने करवा रखा है, ये मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में आपको मिल जाएगा जो कि यूनिट नंबर पार्ट नंबर 1 में है। अगला पॉइंट है ऑब्जर्व फूड चेन्स एंड इंटरप्रेट द फूड वेब। फूड चेन्स, फूड वेब में यहाँ पर थोड़ा सा बताया है, जैसे कि फ्लावर, बटरफ्लाई, स्पाइडर। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ दिखा रहा है कि कौन सा किस में से बन रहा होता है, एक फूड चेन बनाइए। फ्लावर जो होता है उसको बटरफ्लाई खाती है, बटरफ्लाई को स्पाइडर खा लेता है, फ्लावर को सनबर्ड खाते हैं, सनबर्ड को बर्ड ऑफ प्रे खा लेता है। इसी तरह से सीड्स जो होते हैं वो रोडेंट्स खाते हैं, रोडेंट्स को बर्ड ऑफ प्रे खाता है। ऐसे ही लीव जो है वो मंकी खाता है, मंकी को लेपर्ड खा लेता है। ग्रास जो है वो चीतल खा लेता है, चीतल को टाइगर खा लेता है। तो यहाँ पर एक फूड चेन है अलग अलग तरह के मैमल्स की, जो कि हर्बीवोरस भी हैं, कार्निवोरस भी हैं और ओमनीवोरस भी हैं।
आगे लिखा है ए फील्ड विजिट टू ए ग्रासलैंड। अब ग्रासलैंड पे एक फील्ड विजिट करेंगे जहाँ पर हम वैरायटी के प्लांट्स और वैरायटी के एनिमल्स की लाइफ को भी ऑब्जर्व करेंगे, जिसके अंदर हम डिस्क्राइब करेंगे कि उनका सीजनल क्या है, कौन कौन से सीजन में कौन से ग्रासलैंड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। हम डिस्क्राइब करेंगे कि उनका कलर क्या है, घास वगैरह जो होती है उसका कलर क्या हो जाता है किस सीजन के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर लिखा है बर्ड वॉचिंग इन ग्रासलैंड, ऑब्जर्व द इंसेक्ट वर्ल्ड। हम ये सारी चीज़ें कंपेयर करेंगे। फिर ऑब्जर्व करना लिखा है यहाँ पर कैच इट्स प्रे, की जो एक प्रे है वो अपने स्पाइडर वगैरह को किस तरह से कैच करता है। डॉक्यूमेंटेशन बता रखी है एनिमल बिहेवियर की, और यहाँ पर एक फूड चेन बता रखी है ग्रासलैंड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे डेजर्ट एंड सेमी एरिडिक एरियाज, ऑब्जर्व डेजर्ट एंड सेमी एरिडिक लैंडस्केप, जहाँ पर हमें बताया गया है कि कुछ स्पेशल वेजिटेशन डेजर्ट सेमी एरिड लैंडस्केप्स वगैरह जो होते हैं नंबर ऑफ एनिमल स्पीसीज के ऊपर वेराइटी के ऊपर डिपेंड होते हैं। ऑब्जर्व कर रखा है फन्ना को, फौना जो है वो एक तरह की सेमी एरिड कंट्री में पाया जाता है, जो कि एक बर्ड इंसेक्ट टाइप है, जो कि एक डिजीज़ है, जो एक स्पेसिफिक है, जो कि फैलती रहती है। फिर नीचे लिखा है ऑब्जर्व करना है हमें प्ले डैट यूज इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को पे कैसे यूज़ करता है। या फिर नीचे लिखा है जो रेयर बर्ड्स होते हैं वो कैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहलाते हैं, और जो रेयर एनिमल्स होते हैं सच एज वॉल्फ जो है वो क्या चीज़ है। एक्वेटिक इकोसिस्टम आ जाता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में लिखा है डॉक्यूमेंट द नेचर ऑफ एक्वेटिक सिस्टम, विजिट एन एक्वेटिक सिस्टम सच एज ए पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, रिवर हो गया, सी कोस्ट हो गया, जो कि आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड होती जा रही है, तो इनके वाटर क्वालिटी को लेकर। इसके अंदर स्टडीज करना सिखाया है कि इकोलॉजिकल पॉन्ड्स वगैरह को कैसे ऑब्जर्व करा जाता है। तीन पार्ट्स हैं, पहला पार्ट है वेजिटेशन जोन, दूसरा पार्ट है यहाँ पर लिखा है सीजनल फील्ड ऑब्जर्वेशन, तीसरा आता है फुल्ली एक्टिव फेसेस। फिर लिखा है श्रिंक फिश, ड्राई फिश, लेबोरेटरी एक्सप्लोरेशन, ये वो तरीके हैं जिनसे ऑब्जर्व करा जाता है वाटर पॉल्यूटेड है या नहीं है। ऑब्जर्व ऑन ए लेक इकोसिस्टम, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के जो बर्ड्स होते हैं वो अलग अलग तरह के पानी के अकॉर्डिंग, हैबिटेट के अकॉर्डिंग जी रहे होते हैं, जहाँ पर कुछ फ्यू स्पीसीज भी पाई जाती है। इनके अंदर उनका खाना जो है वो कैसे डेवलप करते हैं, इनके लेग्स जो है वो डिफरेंट होते हैं, इनका खाना रहन सहन बहुत सारी चीज़ें जो है हमें डिफाइन करनी है। फिर लिखा है उसके नीचे ऑब्जर्वेशन एट ए वेटलैंड, वेटलैंड का ऑब्जर्वेशन है। फिर ऑब्जर्वेशन ऑफ ए बेंच दे रखा है आपको नीचे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। ऑब्जर्वेशन ऑफ ए रिवर, हिल, माउंटेन, फिर एग्जांपल्स आ जाते हैं। एग्जांपल्स भी बता देता हूँ, एग्जांपल्स में लिखा है गाइडलाइन फॉर ए राइट अप एंड ए हिल माउंटेन इकोसिस्टम, डिस्क्राइब द हिल, जैसे कि स्लोप हो सकता है, सॉयल हो सकता है मतलब कि मट्टी, ढलान, या फिर वाटर कोर्सेज हो सकते हैं। डिस्क्राइब द वेरियस प्लांट एंड एनिमल, अलग अलग तरह के प्लांट्स और अलग अलग तरह के जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो उसको भी अलग अलग तरह से डिस्क्राइब कर रखा है। ऑब्जर्व एंड डॉक्यूमेंट्स इट्स फूड चेन, उसके बाद लिखा है यहाँ पर डिस्क्राइब द वाटर साइकिल एंड द नाइट्रोजन साइकिल वगैरह। यहाँ पर ना बेसिकली आपका इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग यही ऑब्जर्वेशन ही बता रखा है, पूरा क्वेश्चन आ जाए। जैसे मान लो सपोज करते हैं कि लास्ट क्वेश्चन है जहाँ पर लिखा है व्हाट वुड बी हैपन द वेजिटेशन इज रिमूव्ड फ्रॉम द स्लोप, स्लोप से अगर वेजिटेशन रिमूव्ड हो जाए तो उस टाइम पर क्या होगा, ठीक है, तो इसके आंसर आपको करना है। तो ये क्वेश्चन जब आप चैप्टर पढ़ लोगे पूरा समझ आ जाएगा, चैप्टर यहाँ पर वही खत्म हो गया, पूरी बुक ओवर हो गई आपकी। अब इसके हो सकेगा तो मैं एक इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट बना दूंगा जहाँ पर मैं क्वेश्चन पेपर आपको बता दूँ थोड़ा पैटर्न के लिए, और अगर नहीं होता तो भाई मिलेगा नहीं तो मैं कैसे डाल पाऊँगा, अगर मिलेगा तो ज़रूर डाल दूंगा, ठीक है। और अगर मान लो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं तो नीचे जो नंबर शो कर रहा है इस नंबर पर मुझे मैसेज करो व्हाट्सअप पे, ठीक है, कि हमें नोट्स परचेज करने हैं। मिनिमम अमाउंट पे करके आप नोट्स को बाय कर सकते हो, और अगर आप करना चाहते हो तो, और नहीं तो बाकी वीडियो सीरीज से हो जाएगा, काम चल जाता है तो अच्छी बात है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, कीप वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय। बाकी मेरे ऑफिशियल हैंडल्स, ग्रुप वगैरह नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।